शिमला में हुए हादसे के बाद जिंजहाड़ी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे में लोगों का गुस्सा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पर निकला। लोगों ने ना केवल उन्हें पहुंचने पर खरी खोटी सुनाई बल्कि उनको भागने पर मजबूर भी कर दिया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि इस सारी घटना की जांच की जाएगी और मजिस्ट्रेट जांच के उन्होंने ऑर्डर तक दे दिए हैं। वहीं उन्होंने लोगों के गुस्से को जायज भी ठहराया। राजधानी शिमला के झंझड़ी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि उन्हें मौके से भागने पर भी मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का घटनास्थल पे पहुंचने पर लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। हादसे में बस चालक सहित दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण कम जगह है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। लोगों का कहना है कि बार बार आग्रह के बावजूद पार्किंग की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, जिस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बताइए किसका बच्चा मर गया, कौन जिम्मेदार है, मर गया कौन जिम्मेदार है? सरकार से हम तो कौन जिम्मेदार है? अभी जानते ही सारे जांच के आदेश हम कर रहे हैं इसके, और जो भी कारण होंगे जिस भी वजह से होगा बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लोग काफी गुस्से में हैं, गुस्से स्वाभाविक है, बच्चे हैं, वो बच्चे उनके नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं महसूस करता हूँ और स्वाभाविक है उनका गुस्सा जायज है, लेकिन जो भी वजह रही होगी इन सारी चीज़ों के लिए अभी घटना बंजार में हुई थी, सख्त हमने आदेश किए, लोगों ने बहुत शोर डाला उसके, लेकिन ये राजनीति करने की जगह नहीं है, ना ये विषय राजनीति करने का है। जो करना है वो सारी चीजों को लेकर सख्त कार्रवाई करने की होगी, वो करें। बस के फिटनेस पे भी सवाल उठाया गया, बस के फिटनेस नहीं, तमाम सारी चीजों की जांच होगी, तमाम चीजों की जांच। जो अब इस तरह से लगातार आती है कि बस खराब है, कहीं एक्सीडेंट्स में होता है, तो अब जरूरत है, आपको लगता है वो समय आ चुका है जब ऐसी बसें हटा दी जाए और नई बसें? हम मैंने कह दिया कि कंप्लीट एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, यही मैं कह रहा हूँ। घटना है, परिवारजनों को जो इस सारी दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे, वो बच्चे उनके ही नहीं हमारे बच्चे हैं, मैं खुद बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ सारी बात से, और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जो बच्चे आज जिनकी मृत्यु हो गई इस दुर्घटना में और जो घायल हैं, इसकी सारी जो जितने भी कारण रहे हैं उनके इसके बारे में जाँच की हम आदेश दे रहे हैं, और जाँच के बाद जो है जो भी कार्रवाई उसका जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।